हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपनी ओल्ड नेगेटिव्स को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ओल्ड नेगेटिव्स हैं, तो हम इनमें से एक नेगेटिव को पॉजिटिव बना के दिखाएंगे। तो हमने एक नेगेटिव ले ली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको किस सेटअप किस तरीके से बनाना है। तो हमने अपने कैमरा ट्राइपॉड पर ऐसे रखा हुआ है और सामने हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है, और हमें एक मॉनिटर पे एक वाइट कलर का फोटो या वाइट कलर का कुछ भी ओपन कर लेना है, और उसकी हमें ब्राइटनेस फुल रखनी है। और जो हमारी कैमरा सेटिंग्स है, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे कैमरा सेटिंग्स है। हमें रो में फोटो क्लिक करनी है, और आप देख लीजिए एक बार सेटिंग्स। तो हमें कुछ इस तरीके से अपने कैमरे के सामने जहाँ पे आपका कैमरा फोकस ले रहा हो वहाँ पे आपको फोटो को होल्ड करना है और एक क्लिक लेना है। तो फोटो क्लिक करने के बाद हम उसे फोटोशॉप में लेके आते हैं। तो जैसे हम फोटोशॉप में ओपन करते हैं तो थोड़ा बहुत हम ट्विक कर लेते हैं पहले। तो हम कैमरे में फोटो को थोड़ा ट्विक करते हैं, जो अपने सेटिंग्स जो भी करना है आपको करके। तो सबसे पहले फोटो को क्रॉप करते हैं ताकि हम उतने एरिया पे काम कर पाए जितने में हमें चाहिए। तो फोटो को क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोटो क्रॉप करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल प्लस आई प्रेस करना है जी, हमारी फोटो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। सिर्फ कंट्रोल प्लस आई प्रेस करना है। तो हमारी फोटो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा कलर ट्विकिंग वगैरह जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो भी जैसा भी है। तो इस तरीके से सिर्फ आप एक क्लिक में आपके नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं, या फिर कहीं ना दो की को एक साथ क्लिक करके कंट्रोल प्लस आई करके, ओनली कंट्रोल प्लस आई। तो इस तरीके से हमारी जो हमारी नेगेटिव फुटेज हैं, नेगेटिव पुरानी पुरानी नेगेटिव्स पड़ी हुई हैं, उन्हें हम डिजिटली पॉजिटिव बना सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस आई नेगेटिव, एंड दोबारा कंट्रोल प्लस आई तो पॉजिटिव। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।